टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई की याद में 9 साल गुजारने वाला विराट अब उसे जिंदा देखकर परेशान है। शो में दिखाया जा रहा है कि वो सई को धोखेबाज मानकर परेशान है और हर किसी पर गुस्सा उतार रहा है। पाखी विराट के फ्रस्ट्रेशन को समझ रही है। वो उसे समझाती है कि परिवार वालों से भड़ास निकाल ले तो उसके दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हालांकि विराट उनसे कुछ नहीं बताना चाहता। विराट विनय को हॉस्पिटल ले जाता है और हर किसी से कहता है कि कोई वहाँ नहीं आएगा। मना करने के बाद भी भवानी वहाँ पहुँच जाती है। वो सई को वहाँ देखकर गुस्से से फट पड़ता है। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एनिवर्सरी पर विराट पाखी को हीरे का हार दिलाता है। पाखी देख लेती है कि उसका दिल फिर से टूट जाता है। गुम है किसी के प्यार में चवन फैमिली सई के जिंदा होने की बात जानकर हैरान रह जाता है। उससे ज्यादा हैरानी लोगों को सभी के बारे में जानकर होती है। भवानी नहीं चाहती है कि सई लौटकर घर आए। हालांकि विनायक ने सई से मिलने की जिद पकड़ रखी है। विराट उसे समझाता है कि अब सभी से नहीं मिलना है। भवानी वीनू को सभी से मिलने के लिए जैसे ही रोकती है उससे विराट भड़क जाता है। इस बीच विराट पाखी को लेकर ज्वेलरी शोरूम में जाएगा जहां उसे फिर से सही दिखाई देगी। विराट पाखी को एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट दिलवाने ले जाएगा जहां वो सुनेगा कि सही वहां अपनी अंगूठी बेचने आई है। वो सही को दिखाने के लिए पाखी को महंगा हीरे का हार पहनाएगा। सही और विराट जानबूझकर एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बात पाखी भाप लेती है। उसे जानकर दुख होता है कि दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं और दिखावा कर रहे हैं। सई अपनी अंगूठी बेच देगी और पाखी चुपचाप वो अंगूठी ले आएगी। क्या पाखी वाकई बदल गई है? देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाखी विराट और सई को मिलवाने के लिए क्या करेगी। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।